गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनू योर साइंस टीचर। आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मेटल्स क्या होती हैं, जो आपने देखी हुई हैं, सोना चांदी तांबा लोहा, ये सब मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अनायन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके। नॉन मेटल जो हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैशियस भी होते हैं। सॉलिड नॉन मेटल कौन कौन से हैं? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। गैशियस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब तक 22 नॉन मेटल जो हैं वो जाने जा चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, पर नॉन मेटल जो होती हैं ये ब्रिटल होती हैं, ये टूट जाती हैं। ये जैसे ही हम इसको हाथ लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये टुकड़ों में बट जाएगी। सल्फर और फास्फोरस बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल, क्योंकि ये हाथ लगाते ही टूट जाती हैं, हल्का सा प्रेस करते ही टूट जाती हैं, तो ना तो इनकी शीट्स बन सकती हैं ना ही इनकी तार बन सकती है। इंसुलेटर, नॉन मेटल जो होती हैं इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती, पर यहाँ पर एक इसका एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। एक्सेप्शनल मतलब कि आमतौर पर, मतलब कि जितनी भी नॉन मेटल हैं वो सब बिजली को प्रवाहित नहीं करती, पर ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शनल है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो गुड कंडक्टर है। मेटल्स की कोई शाइन नहीं होती, डोंट हैव लस्टर, ना ही शाइनी होते हैं, पर ग्रेफाइट और आयोडीन ये शाइनी होते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। साथ में मेटल्स जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और बिल्कुल भी डेंस नहीं होती, पर यहाँ पर फिर से इसका एक्सेप्शनल केस है डायमंड। डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, हीरा। हीरा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। डायमंड नॉन मेटल है, ये कार्बन की ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं जो खूबियाँ मेटल्स में थी वो नॉन मेटल्स में नहीं होती। अब हमने पढ़ा था मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इसका बिल्कुल अपोजिट नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होता है। यहाँ पर फिर से एक्सेप्शनल आ जाएगा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3700 डिग्री सेल्सियस है। नॉन सोनोरस, ये साउंड को नहीं प्रोड्यूस करती हैं। नॉन मेटल जो है वो लिक्विड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं और सॉलिड भी हो सकती हैं। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है नॉन मेटल। एक और जो खूबी है वो नॉन मेटल की, वो क्या है कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म को शो करते हैं। अब एलोट्रॉपी क्या होता है? जब भी कोई एक एलिमेंट अप दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। और जो फॉर्म्स उसकी बनती हैं, जो दो और न्यू फॉर्म होते हैं उनमें से, उन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप। तो कार्बन जो है वो एलोट्रॉपिक बनाता है, एलोट्रॉपी को शो करता है, और इसमें से क्या क्या बनता है? ग्रेफाइट, ये इसके एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, कोक, कोल और लैम्प ब्लैक। फास्फोरस भी एलोट्रॉपी को शो करता है, वो भी 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है।